बिग बॉस ओटीटी 2 सेकंड वीक ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड। जी हाँ, आपको बता दें नॉमिनेशन का खेल खत्म हो गया है, जिसके चलते दो कंटेस्टेंट हैं जिनको इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें पहला नाम सामने निकल के आया आलिया सिद्दीकी का, तो दूसरा नाम जो आया निकल के जिया शंकर का। आपको बता दें लास्ट वीक भी जो है जिया शंकर को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो सेव हो गई थी, लेकिन इस हफ्ते जो है आलिया के साथ उनको नॉमिनेट किया गया है। बाकी सभी कंटेस्टेंट सेफ हैं, और इनमें से दो कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जिनको किसी ने भी बेघर होने के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, किसी ने भी बजर नहीं दबाया। जिस तरह से बिग बॉस ने खेल खेला के जो बजर दबाएगा, और अगर तीन से ज्यादा तीन तक किसी ने बजर दबाया तो वो जो है नॉमिनेट कहलाया जाएगा, जिसमें दो नाम सामने आए निकल के, जिसमें आलिया का सिद्दीकी है और एक नाम जो सामने आया है जिया शंकर का। तो आपको बता दें जो नॉमिनेट कंटेस्टेंट हैं दोनों, जिनकी जो है वोटिंग ट्रेंड जो कुछ सामने आ रहे हैं, जिनको देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए जो घर से बेघर हो सकते हैं वो है आलिया सिद्दीकी, जिसमें जिया शंकर नंबर वन पे बताई जा रही है, तो नंबर दो पर बताई जा रही है आलिया सिद्दीकी। अब देखना होगा आखिरकार, भाई अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, देखना होगा आखिरकार कौन अपनी जगह बदलेगा, या दोनों ऐसे ही रहेंगी, नंबर एक पे जिया शंकर रहेंगी, नंबर दो पे आलिया सिद्दीकी रहेंगी। क्या आलिया सिद्दीकी इस हफ्ते बेघर हो जाएंगी, या फिर आलिया घर को बिग बॉस के घर को देंगी बड़ा कंटेंट, जिसके चलते जो है बिग बॉस अपना फैसला बदल दे, जिसके चलते जनता अपना फैसला बदल दे, जिसके चलते वो वोटिंग में आगे हो जाए जिया शंकर से, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, आपका क्या है कहना कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी